एवरीवन दिस इज अरियंत लास्ट टू थ्री ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा कि निफ्टीज स्ट्रगलिंग टू होल्ड द लेवल ऑफ सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड और फोर फिफ्टी एंड फ्राइडे को भी हमने देखा क्लोजिंग जो है एक हायर नोट पे हुई लेकिन इट वाज अनेबल टू क्रॉस द लेवल ऑफ सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड यहाँ पे हाई देखने को मिला सेवेंटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड नाइन का वाइल द लो नियर सेवनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू टेलीग्राम में भी हमने अपडेट किया था कि 17,300 बीइंग द सपोर्ट लेवल स्मॉल सपोर्ट फॉर दैट डे अब क्या हो रहा है यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं स्टार्ट यहाँ पे निफ्टी से तो निफ्टी मेडिस्टेंस नियर सेवनटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड नियर दैवल ऑफ 17,450 जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इंपॉर्टेंट होगा निफ्टी को 17,400 लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना स्ट्रगल कर रही है यहाँ पे अब यहाँ पे सपोर्ट इज़ नियर सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड सेवनटीन थाउजेंड टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी ये एक अच्छा सपोर्ट है रिस्पेक्ट करता है तो अगेन यहाँ पे ये कंसोलीडेशन कंटिन्यू रह सकता है अपसाइड के लिए निफ्टी को ब्रेक करना पड़ेगा 17,400 और अच्छा खासा उसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा तो हमें एक फर्दर अच्छी मूव देखने को मिल सकती है बट जैसा कि हम बहुत सारे स्टॉक्स देखेंगे निफ्टी के स्टॉक्स तो वहां पे क्या हो रहा है ना कि एक ऐसा लेवल फॉर्म हो रहा है एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पे ओवरबोट लग रहा है हमको हो सकता है थोड़ी सेलिंग प्रेशर मार्केट में देखने को मिल जाए और जब मार्केट हाई ऑन हाई हिट करता है तो थोड़ा सा हमें भी कॉशियस होकर ट्रेडिंग यहाँ पे करनी चाहिए क्योंकि डर बना रहता है इट्स ऑलवेज बेटर टू फोकस ऑन कैपिटल प्रोटेक्शन अगर आपकी कैपिटल बची रहेगी तो आप ट्रेडिंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास में तो निफ्टी का यही एक लेवल है देखते हैं कब ये ब्रेक होता है इसके जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड हमें नेक्स्ट मूव देखने को मिल सकती है 17,200 को भी मान लो अगर ब्रेक कर देता है तो जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है सेवनटीन फिफ्टी टू 16950 ये एक की लेवल होने वाला है बाइंग अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली यहां पे हो सकती है जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे ये लेवल ब्रेक करेगा तो एक अच्छी खासी डाउनफॉल निफ्टी में डेफिनेटली देखने को मिलने वाली है बट ये बात की बात है अभी जहां पे है वो आपको यही दो लेवल ध्यान रखने सेवनटीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड और टू हंड्रेड ये दो नियरेस्ट स्मॉल सपोर्ट है और ऊपर में सेवेंटीन थाउजेंड फोर हंड्रेड क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो यहां पे जो पैटर्न बन रहा है वो थोड़ा सा बुलिश फॉर्मेशन का बन रहा है यहां पे ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और सपोर्ट इज नियर 36,500 टू 36,300 इसी के आसपास बेस बना रहा है अपसाइड रेजिस्टेंस इज नियर 36,800 टू 37,000 37,000 को अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा फॉर फर्दर गुड अपसाइड फिर हमने निफ्टी मीडिया जैसे डिस्कस किया था निफ्टी मीडिया को हमने ये डिस्कस किया था कि निफ्टी मीडिया एक अच्छे सपोर्ट के आसपास है और बाउंस आता है तो अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल सकता है रिवर्सल और अगर आप देखोगे फ्राइडे को मीडिया स्टॉक्स ने अगेन वहां पे अच्छा खासा परफॉर्म किया था डिस्ट टी लीडर रहा उसमें डिस्क टीवी ने अच्छा खासा वहाँ पर रिटर्न जनरेट करके दिया जील भी अच्छा खासा हायर नोट पर क्लोज हुआ है तो अगेन मीडिया पर यहाँ पर फोकस रहना चाहिए मीडिया सपोर्ट लेवल के आसपास से बाउंस हो रहा है और अपसाइड का लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में फिर एक नेक्स्ट चार्ट है Voltas का Voltas में हमने देखने को मिला कि 950 1000 का जो एक सपोर्ट लेवल था उसके बाद में यहाँ पे क्लियर कट वन साइड रैली देखने को मिली एकदम यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देखने को मिला अब जो है 1220, 1225 इस लेवल के आसपास स्ट्रगल कर रहा है और हो सकता है इस लेवल पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहां पे देखने को मिल जाए सपोर्ट लेवल यहां पे होगा 1150 टू 1130 अगर मार्केट यहां से मान लो टर्न करता है या थोड़ी सी बियरिशनेस देखने को मिलती है तो डेफिनेटली इस लेवल के अंदर ये आ सकता है ये लेवल में आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ये लेवल यहां पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है करता है तो हम यहां पे बाय एंट्री बना सकते हैं बट अभी फ्रेश एंट्री यहां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जब तक कि 1225 लेवल को क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे देता है नेक्स्ट अगर हम देखें हिंदुस्तान यूनलिवर अगेन एफ सेक्टर ने काफी अच्छा आउटपरफॉर्म दिया लास्ट कुछ दिनों में एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली सपोर्ट के आसपास ने इसने भी वन साइड रैली और मार्केट को सपोर्ट किया अच्छा खासा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी हैविंग अ रेजिस्टेंस नियर यू कैन से 2830 एंड बिग रेजिस्टेंस इज नियर ट्वेंटी टू एट्टी जब तक आप इस लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं यहाँ पे फ्रेश बैंग नहीं करनी चाहिए देखो ऑलवेज ट्राई टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस ट्रेल करने का मतलब है कि मान लो आपने एक लेवल पे एंट्री ली और आपका टारगेट अचीव हो गया अब वहाँ पे फिफ्टी परसेंट बुक कर लो अपना जो भी प्रॉफिट है उसके बाद में 50 परसेंट में आप क्या कर सकते हो आप स्टॉप लॉस को अपने बाइंग कॉस्ट के ऊपर लगा दो और ट्रेल करते जाओ जैसे ऐसे जो है मार्केट मूव करता है नेक्स्ट सपोर्ट के आसपास स्टॉप लॉस करते जाओ इससे क्या होगा ना आपका जो गेन है वो मैक्सिमाइज होगा अब यहां पे हमें पता है रेजिस्टेंस है बट क्रॉस भी तो कर सकता है वी डोंट नो कि मार्केट किस साइड मूव करेगा मार्केट इज ऑलवेज सुप्रीम कहीं भी मूव कर सकता है सो बी रेडी फॉर दैट यहाँ पे हमने देख लिया 2870 के आसपास रेजिस्टेंस है तो अभी हम ट्रेल कर रहे हैं यहाँ पे बुक नहीं करेंगे बुक कब करेंगे जब 2870 के आसपास से रिजेक्शन देखने को मिलेगा या फिर ये अपना सपोर्ट तोड़ता है दैट सपोर्ट इज नियर 2770 2760 ये लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे फिर थोड़ी सी देखने को मिल सकती है ओवरऑल अभी बिल्कुल भी फ्रेश बाइंग यहाँ पे नहीं करनी चाहिए कोई शॉर्ट सेलर अगर शॉर्ट सेलिंग करता है वी डोंट डू शॉर्ट सेलिंग बट अगर कोई करना चाहता है तो जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था वोल्टाज में भी वहां पे कर सकता है और हिंदुस्तान लिवर में भी अगर उस लेवल के आसपास मिलता है रेजिस्टेंस के आसपास यू कैन डेफिनेटली प्लान फॉर शॉर्ट सेलिंग राइट बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट हमेशा लगा के रखो नेक्स्ट वन इज आर REC में भी एक बहुत अच्छा पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है आरईसी आप वॉचलिस्ट में रख सकते हो आरईसी में क्या हो रहा है कि 158 160 का जो लेवल है रेजिस्टेंस नाउ बट पैटर्न इज वेरी सिक्स हियर अगर पैटर्न ब्रेकआउट आता है यहाँ पे 160 के ऊपर तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी अपसाइड टू हेड यू कैन से लेवल ऑफ द लेवल ऑफ न एट्टी फाइव इज पॉसिबल ही तो डेफिनेटली ये ब्रेक करके सस्टेन करता है यहां पे तो यहां पे एक एंट्री बनती है यहां पे अगर मान लो प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक छोटा सपोर्टर नियर वन फिफ्टी यहां पे भी हम थोड़ी सी क्वांटिटी में एंट्री कर सकते हैं और एक स्ट्रांग एंट्री मिल जाती है अगर ये स्टॉक हमें कोई भी करेक्शन में मान लो 140 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली ये भी एक बहुत अच्छी एंट्री लेवल हो सकती है तो अभी आपको सिर्फ वॉचलिस्ट में रखना है आई दर नीड टू ब्रेक दिस लेवल वन सिक्सटी के ऊपर जाता है क्लोजिंग देता है तो एंट्री करो वरना फिफ्टी एंट्री करो वन के पास में और बाकी एंट्री आप कब करोगे जब वन के आसपास कोई मान लो मार्केट करेक्शन आती है और आता है तो आप ले सकते हो नेक्स्ट इज रोजरी बायोटेक अगेन यहाँ पे एक बहुत अच्छे सपोर्ट से ये बाउंस देने की कोशिश कर रहा था नाउ यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है चार्ट का लेकिन यहाँ पे फ्रेश एंट्री करना थोड़ा सा रिस्की है आप इसको भी अपने वॉचलिस्ट में रखो 1350 से लेके 1310 तक का लेवल अगर आपको दिखता है छोटी छोटी क्वांटिटी में यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इस सपोर्ट के आसपास से अगर बाउंस मिलता है तो डेफिनेटली आप 1500 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो टारगेट थोड़ा बड़ा है लेकिन हाँ डिप्स का यहाँ पे डेफिनेटली वेट करो अगर इन डिप्स में मिलता है तो आप उसको ऐड कर सकते हो 1500 से पहले 1450, 1460 का एक रेजिस्टेंस लेवल है हो सकता है एक बार रिट्रेस करके ऊपर जाए तो इस बार इसको क्रॉस कर दे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो 1450 के आसपास आए तो पार्शियल बुकिंग कर लो बाकी आप ट्रेल करते जाओ एंड नेक्स्ट वन इज जस्ट डाइल जस्ट डाइल का चार्ट बहुत बड़ी कंसोलिडेशन के बाद में यहां पे ब्रेकआउट देखने को मिला द ब्रेकआउट वॉज गिवन नियर सेकेंड ऑफ सेप्टेंबर उसके बाद में अगेन एक कंसोलिडेशन में चला गया यहां पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है इस लेवल के आसपास में और 940 के आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है नाइन 50 के आसपास आता है तो आप इसको एवरेज कर सकते हो याद रहे कि 935 40 से नीचे क्लोजिंग वीक हो जाएगा यहाँ पे तो इस सपोर्ट के आसपास आप एंट्री लो इस लेवल के आसपास आप डिप्स में भी एंट्री कर सकते हो एवरेज कर सकते हो और फर्दर अपसाइड के लिए यहाँ फर्स्ट टारगेट इज नियर अराउंड वन थाउजेंड सिक्सटी टू वन थाउजेंड सेवेंटी वो भी क्रॉस कर जाता है तो इलेवन हंड्रेड फिफ्टी का हमें यहाँ टारगेट देखने को मिलता है तो रिस्क रिवॉर्ड इज़ वेरी फेवरेबल हियर यहाँ पे इस सपोर्ट के आसपास आप एंट्री ले सकते हो नाउ गाइज वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि मार्केट में अभी बहुत सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर चुके हैं और कुछ स्टॉक्स है जो कि जैसे मीडिया सेक्टर हो गया ऑटो सेक्टर हो गया बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है आने वाले दिनों में बट निफ्टी जो है अपने रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है और काफ़ी सारे निफ्टी के स्टॉक्स भी रेजिस्टेंस के आसपास है तो यहाँ पे डेफिनेटली हमें एक फोर्टी फिफ्टी का कैपिटल तो फ्री रखना चाहिए देखो मार्केट में मार्केट मूव इज ऑलवेज सुप्रीम कभी भी करेक्शन आ सकती है हमें नहीं पता कि किस टाइम कब क्या करेक्शन आएगी किस टाइम क्या मूव आएगी सो so, हमें अंदर से पता रहता है कि मार्केट करेक्शन आ सकती है लेकिन अभी नहीं आ रही है लेकिन जब आ जाएगी करेक्शन तो हम ये सोचेंगे काश यार कुछ नहीं लिया होता तो बेटर है इस चीज को हमें जब पता है इस चीज को हम इंप्लीमेंट करें और यहां पे वेट करें करेक्शन का क्योंकि क्या होता है अभी मान लो आपको स्टॉक्स ले लोगे स्टॉक में एंट्री ले, ले लेते हो करेक्शन आ गई आप वहां पर लॉस में आ जाओगे फिर जब मूव आएगी तब तो जाके आपके स्टॉक्स जो है आपकी कॉस्टिंग पे पाएंगे इससे बेटर क्या है कि हम थोड़ा सा ल, नीचे आने का मार्केट का वेट कर सकते हैं करेक्शन का वहां पे अगर हम कोई चीज में एंट्री लेते हैं तो हमें बहुत क्विकली गेन होने के चांसेस रहते हैं तो दिस इज ये चीजें आपको क्या है कि पता होनी चाहिए कब एंट्री करनी है कब नहीं करनी क्योंकि इट्स बेटर कि आपको लॉस ना हो लॉस अगर नहीं होगा तो गेन तो आपको हो जाएगा नो लॉस इज़ बेटर देन अ गुड गेन सो ऑलवेज रिमेंबर दिस मंत्र और इसके साथ आप थोड़ी बहुत ट्रेडिंग कर सकते हो ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर दो बैठ जाओ थोड़ी बहुत ट्रेडिंग करो और बाकी फिफ्टी परसेंट सिक्सटी परसेंट जितना भी हो सकता है कैपिटल फ्री रखो करेक्शन मार्केट में आती रहती है एक रीज़न चाहिए मार्केट में करेक्शन आ जाएगा बुल्स को फिर एक रीज़न चाहिए छोटा सा वो एंट्री लेके मार्केट के ऊपर ले आएंगे तो दिस इज द साइकिल इस साइकिल को इन्जॉय करना सीखो और ये चीज़ आ गई तो आपको गेन होने से कोई नहीं रोक सकता सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डेफिनेटली आपको अगर हमारा कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर यहाँ पे जितनी ज़्यादा ये कम्युनिटी में मेंबर जुड़ेंगे उतना ही हम आगे इसको लेके जाएंगे और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आएंगे प्लस अगर आपको हेल्प मिलती है इससे आपको गेन होता है आपको नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ डू लाइक उससे हमें मोटिवेशन मिलती है लगता है कि हाँ जो वर्क हम कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो देट्स इज गाइड थैंक यू सो मच